हेलो एवरीवन, आज है 15 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। 12 रुपए का शेयर है, 5% का लोअर सर्किट लगा है और एक बड़ी खबर निकल कर आई है ट्रेडिंग सस्पेंड को लेकर। बड़ी खबर निकल कर आई है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है और आज की गिरावट उसी के चलते है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इस कंपनी के ऊपर कई सारे वीडियोज़ मैंने प्रीवियसली बनाए हुए हैं जहाँ पर मैंने एक ही चीज़ कही है, गलती से भी यहाँ पर खरीदने की गलती मत करना। क्योंकि भाई साहब, जब से घोटाले सामने आए हैं ये लगातार गिरा है और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई साहब मत पड़ना यहाँ पर। इवन पिछले 2 क्वार्टर के नंबर्स भी इन्होंने रिपोर्ट नहीं करे, दो क्या अब तो 3 क्वार्टर हो गए, तो नतीजे भी इन्होंने रिपोर्ट नहीं करे हैं। तो बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज 5% गिरा है ये, जो बेचना भी चाह रहे होंगे वो भी नहीं बेच पा रहे होंगे क्योंकि खरीदने के कोई तैयार नहीं है। एक महीने का ग्राफ देखो तो लगातार गिरा है, 19 से 20% की गिरावट है। और देखो पता है करता क्या है, ये बीच बीच में एक दिन तेजी दिखा देता है लेकिन उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 साल का भी इसका ग्राफ देख लोगे तो भाई साहब 17% का ग्रोथ, सॉरी गिरावट है, लेकिन इंटरेस्टिंग ग्राफ, एक बड़ी रफ्तार आई थी। ऑपरेटर देखो यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं पहले से, और ये जो तेजी आप देख रहे हो ना ये तब आई थी भाई साहब जब इनके पीछे सेबी पड़ी हुई थी, सेबी इनके पीछे पड़ी हुई थी तब भी तेजी आ रही थी, फिर गिरावट आना शुरू हुई। और फिर ये जो गिरावट आई थी ये बड़ी गिरावट तब आई थी जब सेबी के साथ साथ ईडी इनके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी बाद में इसने तेजी दिखा दी। तो अब अगर आप देखो तो 1 साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे ये जा चुका है। इवन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो इंटरेस्टिंग है, ये जो तेजी आई थी भाई साहब ये बहुत बड़ी तेजी थी, बहुत बड़ा ऑपरेटर वाला गेम था यहाँ पर। नतीजे में इन्होंने हेर फेर करा था, ऐसे भी एलिगेशंस थे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए जो शेयर इश्यू करे थे वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा धांधली हुई थी। और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर गिरावट, और ये जो तेजी आई थी उसमें प्रमोटर ने बहुत सारा शेयर्स बेचा भी था प्रमोटर ने। एलिगेशंस ये भी लगते हैं कि भाई साहब बाद में सस्ते दाम पर खरीदा भी था, तो ये बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। और फाइनली अब हरकत में आई है एनएससी, एनएससी टू सस्पेंड ट्रेडिंग इन ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर्स मूव्स इट टू जेड कैटेगरी, और ये बड़ी बात है। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन सर्कुलर डेट 14 मई, इन ब्राइटकॉम ग्रुप विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम जून 14 टिल द टाइम द कंपनी डज नॉट कंप्लाई विथ द मास्टर सर्कुलेटर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया सीधी सी बात है, द शेयर ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम 14 जून, 14 जून से सस्पेंड हो जाएंगे ये। आफ्टर 15 डेज ऑफ सस्पेंशन द ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ द नॉन कंप्लायंस कंपनी वुड बी अलाउड ऑन ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस इन जेड कैटेगरी ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ एवरी वीक ऑफ द 6 मंथ। तो ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए कि भैया यहाँ पर सस्पेंड होने वाले फ्रॉम 14 जून के लिए, और उसके बाद जब आएगा भी तो यहाँ पर ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस के ऊपर ही होने वाला है, ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द एवरी वीक, हर हफ्ते फॉर 6 मंथ, ये सर्कुलेशन यहाँ पर जारी हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड हैज़ नॉट कंप्लाइड विथ रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशंस। सिंपल सी बात है, कई सारे जो सबमिशन ऑफ इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर के फाइनेंशियल नंबर भी रिपोर्ट नहीं करे हुए हैं ऑफ द सेबी, जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस वगैरह होते हैं कि भैया आपको नंबर्स तो रिपोर्ट करने होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो फॉर द 2 क्वार्टर, जो सितंबर और दिसंबर के नंबर्स इन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं करे हैं, हैंस द ट्रेडिंग सिक्योरिटीज ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड शेल बी सस्पेंडेड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट नहीं करे पिछले 2 क्वार्टर के, भैया लोग मार्च के नंबर रिपोर्ट करना शुरू, मतलब 3 क्वार्टर ही कह लो, 2 नहीं 3 हो गया, सितंबर के भी नंबर नहीं करे, दिसंबर के भी नहीं करे और मार्च के तो नहीं ही करे हैं। इन फेब्रुअरी द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड सेबी रिफ्यूज टू लिफ्ट द सिक्योरिटी मार्केट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन सुरेश कुमार रेड्डी, जो कि इस कंपनी के प्रमोटर्स थे। ठीक है, इन द केस ऑफ कंसर्निंग इनरेगुलरिटीज इन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ द शेयर, कंपनी ने जो जो शेयर अलॉट करे थे उसमें कई सारी इनरेगुलरिटीज पाई गई थी। इस कंपनी में एक और बड़े इन्वेस्टर है शंकर शर्मा, उनका भी नाम सामने आया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया अभी भी रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर इम्पोज ही है। बिसाइड ही वुड नॉट कंटिन्यू टू रिस्ट्रेन फ्रॉम द होल्डिंग द पोजिशन ऑफ द डायरेक्टर और अ की मैनेजर पर्सन, मतलब अब वो कोई भी यहाँ पर कंपनी में कोई भी पोजिशन होल्ड नहीं कर रहे हैं।
इन इट्स ऑर्डर द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर हैज नोटेड दैट द प्राइमा फेसिस फंडिंग दैट ब्राइटकॉम ग्रुप हैज फंडेड इट्स ओन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड हैज इंडल्जेड द राउंड ट्रिपिंग ऑफ द फंड कंटिन्यू टू सस्पेंड। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 22 एंटिटीज थी यहाँ पर जिसके ऊपर ये सारे एलिगेशन लगे थे, और सीबी ने बोला था कि भैया एक भी शेयर बेचोगे नहीं आप। उनमें से एक शंकर शर्मा भी थे बाद में, हालांकि उनको वहां से हटा दिया गया था। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स की बात करोगे तो भाई साहब 30 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते यहाँ पर नजर आए हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में। कंपनी अगर आप देखो तो एक टाइम 122 रुपये का भी शेयर था, एक टाइम पे एक रुपये का भी शेयर था। ये मार्केट कैप इसका 2500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ब्राइटकॉम ग्रुप में 40% लोग कह रहे खरीदारी करो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 40% लोग कह रहे बेचो, 20% लोग कह रहे यहाँ पर होल्ड करो यहाँ पर। और अगर हम बात करने जाए इनके नतीजे को लेकर तो यही भाई साहब नंबर्स एक्चुअली मार्च इनके जून में सॉरी जनवरी में आने थे नंबर्स, लेकिन रिपोर्ट नहीं करे इन्होंने, ठीक है, और उसके बाद भी नहीं करे। अगर आप ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर देखोगे तो जो इसका पी रेशियो है वो 1.98 का है। आपको देखने में बहुत सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में समझना होगा कि भाई साहब ये जो इनके फाइनेंशियल्स नंबर आप देख रहे हो, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करते वो बहुत बेहतरीन थे भाई साहब। जून तक की रिपोर्ट है यहाँ पर, बाद में सितंबर और ये दिसंबर और मार्च के नंबर रिपोर्ट नहीं करे हैं इन्होंने। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये नंबर्स, क्योंकि देखो इनके ऊपर एलिगेशंस भी तो वही लगे थे कि इन्होंने जो नंबर्स थे उसको बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट करा था, बढ़ा चढ़ा कर नंबर्स रिपोर्ट करे थे। आप नंबर देखो इनके भाई साहब, टोटल रेवेन्यू अगर आप देखो तो 2000 करोड़, 2500 करोड़, 1700 करोड़, 1800 करोड़, और प्रॉफिट अगर आप देखो 300 करोड़, 400 करोड़ तक के प्रॉफिट, 500 करोड़ तक के प्रॉफिट ये लोग रिपोर्ट कर रहे थे। और इसी को देखकर शेयर प्राइस में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही थी, और जो एलिगेशंस भी लगे थे वो भी यही थे। और मैंने पहले भी कहा था जब इसके ऊपर मैंने बात करी थी कि जब तक इनके सितंबर के और दिसंबर के नंबर ना आ जाए तब तक खरीदारी करने के बारे में सोचना भी मत यहाँ पर, क्योंकि तभी हमें क्लियर पिक्चर मिल पाएगा। क्योंकि देखो सेबी और ईडी जब पीछे पड़ी हुई है, ठीक है, और जब अब इनको नंबर रिपोर्ट करने पड़ेंगे तो डेफिनेटली ये जो नंबर रिपोर्ट करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे कि भाई साहब जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यू जो अब तक इतने बड़े बड़े बढ़ाकर दिख रहे थे क्या वो बाद में भी उतने ही बड़े देखने को मिलेंगे। और मैं एक्चुअली में वेट कर रहा था इस नंबर्स के, और जब तक वो नंबर नहीं आते मैं कई बार बोल चुका हूँ मत पढ़ना यहाँ पर, मत पढ़ना, क्योंकि तभी हमें क्लियर पिक्चर मिल पाता कि भाई साहब वाकई में चीज़ें यहाँ पर क्या चल रही थी। अगर मान लीजिए कि सितंबर और दिसंबर के नंबर्स वाकई में पहले जितने ही आते, 300 करोड़ का प्रॉफिट, 400 करोड़ का प्रॉफिट, 2000 करोड़ का रेवेन्यू, तब हम मानते कि चलो ठीक है कंपनी अच्छा कर रही है। लेकिन अगर नंबर ऐसे आते हैं कि भाई साहब रेवेन्यू तो बहुत कम है और प्रॉफिट तो है ही नहीं, नुकसान ही में चल रहे और बहुत ही कम प्रॉफिट है, तब समझ जाना कि क्या चल रहा था यहाँ पर। और अब मुझे लगता नहीं कि नतीजे बहुत जल्दी इनके आने वाले हैं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 18.38% की है, 0.17% म्यूचुअल फंड के पास है, और अभी तक मार्च का अपडेट भी नहीं हुआ है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो, क्योंकि वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला था कि भाई साहब किसने बेचा था। क्योंकि देखा जाए तो जो बड़े इंस्टीट्यूशन जो बड़े प्लेयर्स थे उनको तो सेबी ने मना किया था कि आपको तो बेचना भी नहीं है, ठीक है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग था। और यहाँ पर जो फंस रहे हैं वो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा फंसा है, 37.89% का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, और शायद ये तो दिसंबर का है, क्या पता मार्च में और बढ़ गया हो। एफआईएल के पास भी 10.53% की होल्डिंग है यहाँ पर, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। देखो मैं इतना ही कहूँगा कि वाकई में सेबी की तरफ से एनएससी की तरफ से ये बहुत ही बड़ी चीज़ हुई है, और मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आप देख रहे हो थोड़ी सी और फर्दर डिक्लाइन आपको देखने को मिलने वाला है, और दूर जितना दूर रहोगे उतना फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। और मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने पहले भी यहाँ पर मना किया मतलब करा था, मैं अभी भी वही कहूँगा कि जब तक इनके क्वार्टरली नंबर्स नहीं आते सितंबर के दिसंबर के, ठीक है, तब तक भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, और नंबर्स भी कैसे आते वो भी देखना रहेगा यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगेन जो भी मैं कह रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।